इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम जिस पर राजधानी दिल्ली में हमला हो गया है, और यह हमला जो हुआ है वो दिल्ली के बिजवासन इलाके में हुआ है। बिजवासन इलाके में ईडी की टीम पर हमला, साइबर क्राइम से जुड़ा एक मामला था और इस मामले की जांच करने के लिए ईडी की टीम दिल्ली के बिजवासन इलाके में पहुंची थी जहां पर ईडी की टीम पर हमला हुआ है। जानकारी क्या है पूरी, सीधे आपको लेकर चलेंगे। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज बताइए जरा विस्तार से इस खबर के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह मॉर्निंग में जो ईडी की टीम है वो बिजवासन इलाके में साइबर फ्रॉड के एक मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची थी, सर्च करने के लिए पहुंची थी। तभी वहां पर जो आरोपी मौजूद थे उन्होंने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। अभी जो नाम सामने आ रहा है कि एक अशोक शर्मा है और उसका जो भाई है उसने ईडी की टीम पर हमला किया है, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के जो एक अधिकारी हैं ईडी के वो घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जब ईडी की टीम वहां सर्च के लिए पहुंची थी तब 4-5 लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे और जैसे ही ईडी की टीम अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी जिस प्रीमिसेस में रेड की जानी थी वहां पर अचानक से अशोक शर्मा और उसके भाई ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। एक असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के जो अधिकारी हैं वो इस हमले में घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसके अलावा इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी गई है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और जांच की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि एक आरोपी वहां से फरार भी हो गया, उसकी भी तलाश की जा रही है। बहुत शुक्रिया मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई और अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ईडी की टीम पर बिजवासन इलाके में हमला जिसमें ईडी के एक अधिकारी घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।